आजही 24 तास एक पाऊल पुढे स्वागत केलेला एक प्रकारे भाजपचं शक्ती प्रदर्शन आपण म्हणू शकतो. मोठ्या प्रमाणात त्यांनी शक्ती प्रदर्शन केलं आहे आणि नितीन गडकरी आप आगे बढो हम तुम्हारे साथ है अशा प्रकारच्या घोषणा आपण तिथे ऐकू शकतो. नितीन गडकरींच्या पाठीशी आपण आहोत असंच या कार्यकर्त्यांना दाखवून द्यायचं आहे आणि मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते तिथे उपस्थित आहेत आणि विमानतळावर नितीन गडकरी यांचं जय्यत अशी तयारी केलेली आहे स्वागताची आपण बघू शकतो. हार तुऱ्या आणि मोठमोठ्या त्यांचं स्वागत झालेलं आहे. आता काही मिनिटातच नितीन गडकरी संबोधित करते. राम नाईक, राज पुरोहित, किरीट सोमय्या असे नेते आपण बघू शकतो स्टेजवर उपस्थित आहेत. तारासिंग देखील आहेत. और उसके कारण ये भी आरोप सिद्ध नहीं होगा.
उसके बाद में नागपुर में अंकुर सीड्स करके कंपनी है, उस कंपनी पर रेट बढ़ा इनकम टैक्स का। हम एक कृषि प्रदर्शनी करते हैं, उसमें 200 लोगों में उनका भी एक नाम था, तो उस कंपनी के साथ मेरा संबंध जोड़कर न्यूज प्रकाशित की गई, जबकि उस कंपनी के साथ मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं था, ना पार्टनरशिप था, ना मैं डायरेक्टर था, ना मेरा एक पैसे का शेयर था। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में मैंने सिंचाई के लिए लगातार संघर्ष किया। आपको पता है कि हिंदुस्तान के संविधान में 371(2) के अंदर जो महाराष्ट्र के उस समय के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर अलेक्जेंडर साहब ने जो स्पेशल मैंडेटरी डायरेक्शन दी थी, उसके कारण विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों के लिए इरिगेशन के लिए निधि मिला। हमारे विदर्भ में कोसी खुर्द करके प्रकल्प है, 1988 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसका भूमि पूजन किया था, उसकी कीमत 380 करोड़ रुपए थी। ये प्रकल्प 96 में इसका काम शुरू हुआ और 380 करोड़ का ये प्रकल्प आप उसकी कीमत 14,000 करोड़ रुपए हुई है और उसके ऊपर कम से कम 8,500 से 9,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। किसानों को उनके जमीन का मुबदला अभी तक कुछ किसानों को मिला नहीं है, पुनर्वसन का काम नहीं हुआ है, विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और यहाँ 288 कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। मैंने एक नहीं 15 पत्र लिखे और प्रधानमंत्री को कहा कि महाराष्ट्र का एक नया राष्ट्रीय प्रकल्प है और इसके लिए आप तुरंत निधि जो है वो भेजिए, ताकि यह 8,500-9,000 करोड़ रुपए डेढ़ अटैक हुए हैं, अगर ये प्रकल्प पूरा होगा तो 3.5 लाख एकड़ आत्महत्या करने वाले किसानों को पानी भी मिलेगा, उनकी जान बचेगी और उसके साथ साथ किसानों का गांवों का पुनर्वसन होगा और किसानों को भी उनका पैसा मिलेगा। तब इन लोगों ने लिखा कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट निकालने के लिए पैसे पत्र लिखा, इस प्रकार की 2 दिन मीडिया पर चर्चा चालू रही। फिर यह लिखा गया कि मैं शरद पवार और अजय संचेती का पार्टनर, शरद पवार के साथ मेरे कोई संबंध नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, अजय संचेती के साथ मेरे कोई संबंध नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, ये भी आरोप झूठ हुआ। फिर दिल्ली में 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया में हवा किया गया, अब 5 मिनट कम है, 2 मिनट कम है, तब एक महिला और एक वहां के अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया कि हमारा जो शुगर फैक्ट्री का एरिया है वहां एक वेस्ट लैंड पड़ी थी, वो वहां वेस्ट लैंड एक एनजीओ। जी 24 तास एक पाउल पुढ़े।